हुआ शक्ति? सब ठीक तो है? पानी पी लीजिए। प्रताप अचेत नहीं हुए थे? उन्होंने अचेत होने का मात्र स्वांग किया था। आप चाहिए यहां से चीचा। समय वैसे भी बुरा चल रहा है, अगर ऐसे में कुंवर प्रताप ने कुछ कर दिया तो हमें तुरंत ये सूचना राणा जी तक पहुंचानी होगी। रुको, रुक जाओ वहीं पे। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। खम्मागणी हुकुम। ताई, हम अभी अपनी मोहर लगाकर एक गुप्त संदेश आपको लिख कर देते हैं, आप उसे राणा जी तक पहुंचा दीजिए। जी रानी सर। हम आपकी चौकसी से प्रभावित हुए मानसिंह जी, हम तो इसलिए आए हैं ताकि अंतिम बार अपने कुंवर का मुख देख सकें, उन्हें सुरक्षित देख यहां से विदा कर सकें। जी हुकुम, आइए। हुकुम, पुराणों में लिखा है, व्यक्ति के चाहे जितने भी पुत्र हो जाएं, किंतु जो प्रेम उसका अपने पहले पुत्र से होता है, वैसा प्रेम दूसरों से नहीं बन पाता। औरों का तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे मन में आपके लिए कुछ ऐसा ही है कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि जब आप जागेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन हम क्या करें, अपनी आंखों के सामने आपको अहित होते नहीं देख सकते हम। आप हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारा स्नेह, हमारा गौरव, हमारा भविष्य, आप सब कुछ है। एक लिंग जी करें आप 100 वर्ष तक जिए, और जिस मेवाड़ की प्रजा के लिए हम अपने प्राण देने जा रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है कि उस प्रजा के लिए आप स्वतंत्रता के साथ साथ सुख और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखे।
हुकुम। मानसिंह जी, मानसिंह जी, हमें ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुंवर प्रताप ने अपना हाथ हिलाया हो। यह संभव नहीं है हुकुम। जो तीव्र औषधियां इन्हें दी गई हैं उसके असर से 2 दिन तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। आप चाहिए? जी हुकुम। कोकोए, इस बात का पूरा ध्यान रहे, ये संदेश राणा जी के अलावा किसी की दृष्टि में ना पड़े। जी रानी सर। से निकलने से पहले हमें रथ से बाहर कूदना होगा। रुक जाओ। ऐसा लगता है कि हमें कोई आहट सुनाई दी। जाओ, जाकर देख कर आओ। यहां तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ देख लिया हुकुम। हमें पूरा भरोसा है कि कुछ देर पहले हमने कोई आहट सुनी थी। हम स्वयं देख कर आते हैं। हुकुम, कुछ अफगानी सिपाही इसी ओर आ रहे हैं, हमें तुरंत निकलना होगा। ये तो महाराज उदय सिंह का साला मान सिंह है ना। चलो।
जल्दी जल्दी करो, राज के अतिथि आने वाले हैं। ये किसके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां हो रही है? हम लोगों को ज्ञात है कि स्वयं राज राणा बहादुर अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध में हमारा साथ निभाने के लिए पधार रहे हैं। तो ध्यान रहे, जिस समय हम उनके साथ रणकक्ष में विशेष बैठक कर रहे हैं, उस समय उस कक्ष के आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। राजराणा बहादुर, ये कौन है और यहाँ किस लिए आ रहे हैं? इनायत, क्या बोला था हमने? दो दिन तक यानी 48 घंटे तक उदय सिंह के हथियारों का नींबू के पानी में तैयार होने का इंतजार हमारे लिए जानलेवा हो रहा है, यही ना? बेशक बोला था हुजूर। तो हमारा दिल बहलाने के लिए आप इन साहब गायककार को लेके आए। वही बात, ये नामुराद गवैया हमारा दिल नहीं बहला रहा है, ये गधे की तरह करके हमारी जान ले रहा है। थोड़ी देर और इसका गाना सुनते रहे तो उदय सिंह के हथियारों से उसका सर कलम करने के बजाय हम अपना गला काट लेंगे, समझे? तो गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। चलो निकले यहाँ से। रुको 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 रुको, इसे यूं ही मत जाने दो, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, इसका गला काटो। सुनो सुनो सुनो, प्यार से आराम से काटना, फिर शायद मौत के वक्त जो इसकी आवाज निकले उससे हमें मजा आ जाए। 48 घंटे का इंतजार उस आवाज से खत्म हो। ले जाओ इसे। बेशक हुजूर, लेके जाओ। मजा आ गया। मरहबा मरहबा। राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर।
राज राणा बहादुर, दाता का नाम खूंखार सिंह राज राणा। आज तक राज राणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है, वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। इसीलिए कई बड़े राजा महाराजाओं ने युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए राज राणा बहादुर की सहायता ली है। राज राणा बहादुर की, 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 राज राणा बहादुर की। अम्मा घड़ी राज राणा। घड़ी कम बराबर जी। महाराणा उदय सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई। युद्धों ने राज राणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए, किंतु कोई भी घाव उनके मातृभूमि के लिए वीरता और युद्ध कौशल से लड़ने की इच्छा को कम नहीं कर पाया। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं। लगता है इस युद्ध में राज राणा बहादुर दाजीराज के प्रमुख सहयोगी होंगे। एकलिंग जी, ये तो दाजीराज का रणकक्ष है, यही तो आने वाले हैं वे। आइए राजराणा जी। राज राणा जी, आपकी और आपके सैनिकों की वीरता का बखान तो पूरा राजपुताना करता है, इसलिए उसके बारे में आपसे क्या कहें। लेकिन इस युद्ध में आपको एक विशेष कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, और वो कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता राज राणा जी, इसलिए हमने आपकी प्रतीक्षा की। और दो दिन तक अफगान सैनिकों से युद्ध को टाला है। महाराणा उदय सिंह के लिए लड़ाई करना हमारे लिए सदा ही गौरव की बात रही है। का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राज राणा जी। और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना। ऐसा ही होगा राणा। दाजीराज, हम आपको वचन देते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे। मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राज राणा जी।
और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना है। ऐसा ही होगा राणा जी। बहुत अच्छे। शम्स खान के बहुत से हथियारबंद सैनिक हर समय इस अफगान ध्वज की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसलिए जब हम शम्स खान के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहे होंगे और उसका ध्यान वहां युद्ध के मैदान में होगा, तब आप अपने सैनिकों के साथ अफगान सिपाहियों को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराएंगे। अर्थात अफगान ध्वज को उखाड़ के उसकी जगह मेवाड़ का ध्वज फहराना, यही हमारी विजय का संकेत होगा। राजराणा जी, ऐसे तो यह कार्य असंभव है, लेकिन आप जैसे शूरवीर के लिए नहीं। अगर युद्ध के मैदान से हम में से कोई भी जीवित वापस नहीं आया तो इस ध्वज के लिए आपको जीवित रहना होगा, क्योंकि यह ध्वज नहीं मेवाड़ का गौरव। और अगर आपने अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहरा दिया तो हम सबके बलिदान को एक अर्थ मिल जाएगा। अपने रक्त की आखिरी बूंद तक इस मातृभूमि के लिए आपके द्वारा सौंपा गया कार्य हम पूरा करेंगे राणा जी। मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्नदाता के लिए अंतपुर से एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ, केवल हुकुम के पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ देर प्रतीक्षा करो। रावत जी, हो सकता है कि संदेश महत्वपूर्ण हो, आने दीजिए। आदरणीय हुकुम, सादर प्रणाम। अत्यंत खेद के साथ आपको इस चिंताजनक स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं। इकबर प्रताप ने नीम की औषधि मिलाई हुई ठंडाई नहीं पी थी, इसलिए वे महल से गाड़ी में बाहर ले जाते समय सचेत थे। जयवंता। प्रताप, हमें क्षमा कर दे दाजीराज, हमें विवश होकर ये करना पड़ा है। जब सारा मेवाड़ संकट से घिरा हो तो हम कैसे सो सकते हैं, और अब आपका ये सपना हमने जान लिया है तो आपका सपना अब अवश्य पूरा होगा दाजीराज। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे हम करेंगे। मावती राज ने औषधि वाली ठंडाई नहीं पी। नहीं रावत जी, माने वो अचेत नहीं थे, अचेत होने का सौंग कर रहे थे। अगर कुंवर प्रताप अभिनय कर रहे थे तो इसका मतलब जरूर उनके मन में कोई नई उदंडता चल रही होगी। अवजी, इस समय वो मानसिंह जी के साथ भी नहीं होंगे, अवश्य उनकी गाड़ी से कूदकर भाग गए होंगे। हम में से कोई नहीं जानता कि इस समय कुंवर प्रताप कहाँ है, वो कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो शम्स खान के जंगल में हो। नहीं होगा। अरे हम बाऊजी राज को जानते हैं, वो शम्स खान के चंगुल में तो कभी नहीं फंसेंगे। इस समय बाऊजी राज के मन में क्या चल रहा है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस गढ़ में है? जी राणा जी, और जो बात हम सब उनसे छुपाना चाह रहे थे, मैं लगता है कि किसी तरह से वो बात बाऊजी राज को पता चल गई, और सब जानने के बाद वो स्वाधीनता की इस लड़ाई से स्वयं को कैसे दूर रख सकते थे। भले ही बाऊजी राज की देह अभी कोमल है, किंतु मन से वो पूरे रणबांकुरे हैं। शत्रु का सर काटने के लिए हमारी तरह उनका भी लहू उबाल भर रहा होगा। अगर वो ये सब जानते थे रावत जी, तो ये भी अवश्य जानते होंगे कि हमारी आज्ञा के साथ ही उन्हें यहाँ से इतनी दूर भेजा जा रहा था, फिर भी उन्होंने सौंग रचा और एक बार फिर हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया।
क्या एक राजपूत रणबांकुरे की यह गरिमा है? बात दीजिए रावत जी। नहीं होगा तो फिर ढूंढिए उन्हें, इससे पहले कि कुंवर प्रताप कोई नया संकट खड़ा करे, ढूंढिए। जी जी, राज महल में ही कहीं हैं। वो जो उन्हें तत्काल बंदी बना लो, काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी में? ये राणा जी का आदेश है और इसका पालन करने में किसी तरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोठरी में डालने के लिए? हम जानते हैं कि दाजीराज को लग रहा होगा कि हम फिर से उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। दाजीराज, आप समर्पण क्यों नहीं कर लेते? हमने समर्पण किया तो वे हमें फिर से कहीं दूर भेज देंगे, सो युद्ध से दूर। और हमने शपथ ली है कि मेवाड़ को स्वाधीन करने का जो दाजीराज का सपना है, उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। और अगर हमने समर्पण कर दिया तो हमारी शपथ झूठी हो जाएगी। सो जाएंगे। लेकिन आप कहाँ जाएंगे बाबूजी राज? सैनिक तो आपको पूरे गढ़ में खोज रहे हैं। एक जगह है जहाँ वो हमें कभी नहीं खोजेंगे। जी गिरजादानी, दूध पी लीजिए। प्रताप का कुछ पता नहीं जी, गले में अटका हुआ है। दूध कैसे पी? न जाने वो कहां होंगे, किस दशा में होंगे। यहां हमारा भविष्य भी निश्चित नहीं, किस पल रण आरंभ हो जाए, कब यहां धड़ से कट के शीश गिरने लगेंगे हम नहीं जानते। कब हमें जौहर के आग में कूदना पड़ जाए नहीं पता। हम जौहर से नहीं डरते गिरजादाई, प्रताप के लिए डर रहे हैं।
वहां है ना, बस उनकी कुशलता एक बार जान जाए, फिर हमें किसी चीज का डर नहीं। महारानी सा, बाऊजी राज को कुछ नहीं हो सकता। भगवान मुरारी ने हर अवसर पर आपकी सहायता की है। लीजिए, दूध पी लीजिए। और सो जाइए। आप भी सो जाइए दुर्जा भाई। जी महारानी। व्रता, प्रताप, व्रता, होना प्रताप, हम जानते हैं आप ही हैं, सामने नहीं आएंगे। ठीक है, मत आइए, आप सबसे छल कर सकते हैं पर अपनी मासा से नहीं। माँ आंखों से नहीं अपने हृदय से देखती है। आ जाइए प्रताप, आइए ना प्रताप, आइए। हम आपसे अवश्य मिल जाएंगे जौहर जैसे संकट को मिटा देने के बाद। अवश्य आएंगे माँ साहब। हे मुरारी, मेरे लाल की रक्षा कीजिए। आज तक राजराणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है, वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। युद्धों ने राजराणा बहादुर के शरीर को कई घाव किए, लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं। Thank you.
ये सैनिक हमें ही ढूंढ रहे हैं। सुल्तान जी, हुकुम। ग्वालियर से 500 सिपाहियों की टुकड़ी कब तक मेवाड़ पहुंच रही है? हुकुम, वो वहां से निकल चुके हैं, परंतु उन्हें मेवाड़ पहुंचने में एक दिन और लगेगा। एक दिन? ठीक है, उन्हें गढ़ के पिछले वाले गुप्त द्वार से अंदर लाने का प्रबंध किया जाए। और ध्यान रहे, शम्स खान को कानो कान खबर ना हो कि हम उस पर आक्रमण करने वाले हैं। उसे इसी भ्रम में रहने दो, वो हमारे ही हथियारों से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। आप चिंता ना करें हुकुम, हम पूरी तरह से सावधान हैं। और चिंता की कोई बात नहीं, शम्स खान तो आयुधों के नींबू के घोल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा ही करता रह जाएगा। हुकुम हुकुम। अब जी और प्रताप मिले नहीं? हुकुम, हमने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए हैं और हर युद्ध की निशानी हमारी देह पर अंकित है, और किसी भी चोट में इतना दम नहीं था कि हमारी उमंग और हमारे उत्साह को चोटिल कर सके। योद्धा का तो जीवन ही होता है लड़ने के लिए, लेकिन कल जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये लड़ाई है मूल्यों की, आदर्शों की, इस माटी की गरिमा और हम सबके गौरव की लड़ाई है, ये हमारी स्वाधीनता की लड़ाई है। ये मेवाड़ की ये पवित्र माटी जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी गोद में पलकर हम सब बड़े हुए, आज वो माटी हमसे बलिदान मांग रही है, तो क्या हम सब बलिदान नहीं देंगे? देंगे, 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 देंगे। क्या किसी के मन में कोई हिचक है? नहीं। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। हुकुम, एक और चौकी आ रही है। पग पग पर चौकी बनाकर रखी, पर तुम घबराओ नहीं, जैसे पहले रुक्का दिखाकर आगे बढ़े थे वैसे ही रुक्का दिखाकर आगे बढ़ेंगे। जी हुकुम। बस एक लिंग जी इतना करें कि जब तक हम अपनी सीमा पर ना पहुंच जाए सभी राजकुमार सोते रहें, और विशेषतर प्रताप बाबू जी की नींद तो बिल्कुल ना खुले। कहीं भी गए हो, हमसे क्या, वैसे अच्छा ही ना, वो यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होते तो मुझसे आगे निकलने की होड़ कर रहे होते। पर हम जा कहाँ रहे दादा भाई? पता नहीं, पर कहीं भी जा रहे हो तब हमारे आगे हुकुम हुकुम करेंगे और हम मौज करेंगे। राजराज के बेटे हैं हम। तो आप मानसिंह सोमग्रा हैं? जी।
ये गाड़ियों में क्या है? अनाज। अनाज देखो, आपको हमारे वचन पर विश्वास नहीं है? महाराणा उदय सिंह हमारे जीजाजी हैं और आप हमारे साथ मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस कर रहे हैं। इसका परिणाम जानते हो? ये मत भूलो, मेवाड़ पर अभी भी महाराणा उदय सिंह जी का शासन है और एक राजपूत की आन में ऐसा अपमान कभी सहन नहीं करेंगे। बच्चे, लेकिन उन्होंने तो कहा था इस गाड़ी में अनाज है। हुजूर को खबर करनी होगी। जी हुजूर, ये खबर पक्की है। दूर। खान, ये सारे शस्त्र मेवाड़ राज कराने, जब भी इनको प्रयोग में लाने का विचार करें तो प्रयोग में लाने से दो दिन पहले, कम से कम दो दिन पहले इन्हें नींबू के पानी में भिगो के रखना मत भूलो। बेवकूफ बनाओ मैं। हमने सोचा था कि खेल हम खेल रहे हैं, हमने सोचा था शिकार हम कर रहे हैं, लेकिन शिकारी शिकारी शिकार हो गया। हम किले का घेरा डाले, हम हथियारों के पहने होने का इंतजार करते रहे अफसल, और वो फरेबी लूट लिए हमें। हम राजपूतों को उनके उनके अपने हथियारों से कत्ल करने का मजा, उस प्रताप को दबोच ले कूटने का मजा, हमारी नाक के नीचे से हमारे सबसे प्यारे खिलौने प्रताप को उड़ा ले गया, वो हम देखते रह गए। जाने के बाद क्या करेंगे राणा जी? हम सोच रहे हैं कि आपके बाद हम भी जौहर। खीर भाई जी, खीर भाई जी, ऐसी बातें मत कीजिए, आपको जीना होगा। आपके जीने के दो कारण हैं, एक आपके गर्भ में पल रहा सिसोदिया वंश का सूरमा, और दूसरा कारण कुंवर प्रताप। हमारे और जयंता बाई जी के जाने के बाद गौर प्रताप का दायित्व आपको संभालना है। गौर प्रताप को अभी बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ समझाना है, और ये सारे काम आपको करने हैं धीर भाई जी।
कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन में बहुत ममता है राणा जी। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप के लिए आपका दायित्व तो और भी बढ़ जाता है। कुंवर प्रताप मेवाड़ का भविष्य है। हुकुम, आपके लिए एक संदेश आया है। अंदर बुला लीजिए राणा जी, अभी रुके। लगता है ग्वालियर से सैनिकों की टुकड़ी आ गई है। ये आपके उस बकरे का सर है जिसने हमारी छावनी में पैर धरने की हिमाकत की थी। आप और आपकी सेना का भी यही हश्र होने वाला है। बच्चों को तो आपने पहले ही पार करवा दिया, अब अपनी बीवियों से भी आखिरी बार मिल लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जंग का ऐलान करता हूं। शम्स खान। जाग रहे हैं? हाँ, हम तो बहुत देर से जाग रहे हैं। और बाबूजी राज प्रताप, वो भी जाग गए या सो रहे हैं? हमें नहीं पता वो कहाँ चले गए। जब से हम दोनों जागे हैं दादा भाई यहाँ नहीं है। क्या सिंह जी, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कुंवर प्रताप को ढूंढ कर लाओ। जिस रास्ते से हम आए थे उसका चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ। महारानी साहब, ये कपड़े ये आपके कक्ष के झरोके के नीचे से मिले। कुंवर प्रताप, हमारा हृदय झूठ नहीं बोल सकता, वो आप ही थे। फिर क्यों नहीं आया आप अपने मासा से मिलने? आपको एक क्षण भी नहीं लगा आपकी मासा कितनी चिंतित है? हे एकलिंगेश्वर नाथ जी, माँ चिंता में घुटी जा रही है कि ना जाने बेटा किस दशा में होगा। और कुंवर प्रताप से इतना भी ना हुआ कि पल भर आपके चरणों में सर रख के आशीर्वाद ही ले लेते, कम से कम आपके भी कलेजे पे ठंडक पड़ जाती। जीजा, वो शक्ति और विक्रम तो बिल्कुल भी हटी नहीं। बेना, कुंवर प्रताप इतने हटे नहीं है। उनमें अपने दायित्व की पुकार इतनी प्रबल है कि उसके आगे और सभी स्वर मंद हो जाते। पर जीजा, ऐसी पुकार का क्या लाभ? जिससे ना श्रीजी प्रसन्न हो तब आपको कोई सुख पहुंचे। जीजा, क्या हुआ बिना? प्रताप का कुछ पता चला? जी, क्या हुआ? जीजा,
समय से पहले युद्ध की घोषणा हो गई है। शम्स खान को न जाने राणा जी की योजना के बारे में कैसे पता चल गया। उसने बकरे का कटा हुआ सर भेज के युद्ध की घोषणा की है। क्षत्रियों के हृदय कटे हुए सिर देखकर कांपा नहीं करते। युद्ध का विकल्प राणा जी ने स्वयं चुना है। जो कल होना था वो आज हो जाए, इसे राणा जी के संकल्प में कोई आज नहीं आने वाले। हमें पूरा विश्वास है इस युद्ध में विजय राणा जी की ही होगी। और अगर किसी अनहोनी के चलते ऐसा नहीं हुआ तो हम राजपुतानिया जौहर के लिए तैयार हैं। अरे वीरो, आज इस पवित्र माटी के लिए बलिदान देने का दिन आ गया। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी आंखों के सामने गड़े दुश्मन के झंडे को उखाड़ के मेवाड़ का अपना झंडा फहराना है। मरने और जीने की चिंता हम नहीं करते, क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए तो मेवाड़ के इतिहास में सदा के लिए हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाएगा। हम सब मर के भी अमर हो जाएंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! कूच करो। कौन हो तुम? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जवाब दो। हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। तुम? तुम्हारे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। लौट जाओ लड़के। हम भी लड़ सकते हैं राजाना जी। हुकुम। और दांतों से वीरों की पहचान होती तो दुनिया में कोई कायर ना होता। हम यहाँ युद्ध करने आए हैं बच्चे, लकड़ी की तलवार से खेलने के लिए नहीं। इससे पहले कि हमारे एक संकेत पर तुम्हें बंदी बना लिया जाए, भाग जाओ यहाँ से। यदि आप हमें इस योग्य ना समझते हो तो भी ठीक है, पर हम आपके साथ तो रह सकते हैं ना। हम आपको देखेंगे, कुछ सीखेंगे। यहाँ कोई मेला लगा है क्या? कठपुतली का खेल चल रहा है क्या? क्या देखोगे? परिवार के वार से कटे हुए हाथ पैर, घोड़े की टापों तले कुचले हुए शव, गेंद की तरह लुढ़कते हुए सर या लहू से लथपथ धरती। इससे पहले कि तुम्हारा बचकाना हट, तुम्हारी सहनशीलता की सीमा पार कर जाए, यहां से भाग जाओ बच्चे। यदि हमारी जगह आपके पुत्र होते तो क्या आप उन्हें भी यही कहते? वे भी हमारे आयु के थे ना। यदि वो आज यहाँ होते तो वो भी हमारी तरह यहीं हट कर रहे होते। एक बात कान खोल कर सुन लो बच्चे, तुम हमारे सैनिकों के साथ कहीं नहीं जा रहे। बस रुक जाओ। राणे ही हुक्म ने क्या कहा, जाओ यहाँ से।
जीजा, आपके ब्याह के आभूषण और जौहर का जोड़ा। बेना, इतने वर्षों बाद हम हमारे विवाह के आभूषण पुनः पहनेंगे। हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? आपको गर्व सा महसूस नहीं होता? जीजा, गर्व तो आपकी हर बात पे होता है, पर इन सुंदर आभूषणों को आपने पहली बार तब पहना था जब आपका विवाह हुआ था श्रीजी के साथ, और आज आप वही आभूषण पहन रही हैं जब आप अग्निकुंड में कूदने वाली हैं, जौहर करने वाली हैं। खुशी कैसे महसूस हो सकती है जीजा, बताइए जीजा। एकलिंग जी की कृपा तो देखिए, पहली बार हमने ये आभूषण, ये वेश राणा जी के लिए किया था, और अब भी राणा जी के लिए ही। तब भी राणा जी के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि थी, और अब भी राणा जी और समूचे मेवाड़ की आन के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि ही बनेगी। राणा जी का आदेश है, सारी टुकड़ियां विजय स्तंभ के नीचे एकत्रित हों। वहीं से हम राणा जी से रणनीति समझ के अपने दल के साथ मेवाड़ का झंडा आगे लहराने के लिए कूच करेंगे। वही चक नहीं, जय मेवाड़, जय मेवाड़। सिद्ध करना चाहते हो? आप कह रहे थे ना कि हमारे दूध के दांत नहीं टूटे अभी। तुम किसी साधारण पुरुष की संतान नहीं लगते। कौन है तुम्हारे पिताजी? मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह।
दिलीप जी, हमने क्या कह दिया, अब क्या होगा?